जी एनिमल चैनल फिर एक बार आ रहा है डीडी फ्रेश के प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है 2K सब्सक्राइबर स्पेशल वीक में हमने बहुत सारे ऐसे चैनल्स के बारे में बात की है, मतलब टोटल अभी 4 एपिसोड हो चुके हैं और 5वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जी एनिमल के बारे में। जी एनिमल चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पर बहुत सी गजब गजब सीरियल देखने को मिलते हैं। और क्या ये डीडी फ्रेश के प्लेटफॉर्म पर आ सकता है 76 या 77 ही ऑप्शन में, ये आपका सवाल और हमारा आप जवाब सुनिए। तो जो मेरे सूत्रों ने मेरे पास जो खबर पहुंचाई है उसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जी एनिमल चैनल डीडी फ्रेश के प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आएगा। अब इसकी वजह ये है, सबसे बड़ा वजह है ट्राई, उसके आगे कोई नहीं है भाई। अब मैं बोल देता हूँ, सीधी सीधी बात यह है कि जी अनमोल चैनल डीडी फ्रेश के प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं आएगा। हाँ, उसके सीरियल्स जो भी है उस आपके लिए जी गंगा चैनल पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको पता है 75 एक्शन के रिजल्ट के बाद जी गंगा चैनल भी डीडी फ्रेश के प्लेटफॉर्म को छोड़कर चला गया। क्यों चला गया वो बता देते हैं, जो उसके प्राइस में इंक्रीज किए गए, जो थोड़ा बहुत भी इंक्रीज किया गया उसकी वजह से जी गंगा ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये हमारे सूत्रों के द्वारा खबर है, जिससे चलते हमारे लिए अब जी के जी एन मोड के मतलब जी जो भी कंपनी है, पूरी जी कंपनी के जो भी सीरियल्स है वो अभी हमें डीडी फ्रेश के प्लेटफॉर्म पर नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अभी स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आपको पता है मस्त चैनल, शायद उस चैनल पर भी कुछ सीरियल्स आ जाए, ये सिर्फ अनुमानित है, बाकी खबर हम देंगे मस्त चैनल आने के बाद। तो आज के उन्हें तो इतना ही, कैसी लगी खबर ये हमें कमेंट कर। आज को मिलते हैं, तब तक ले, गुड बाय।